हेलो गाइस, शॉर्ट सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा, ठीक है ना। हम लोग पढ़ रहे थे डिस्काउंट, क्या पढ़ रहे थे डिस्काउंट यानी बट्टा, हम लोग पढ़ रहे थे। हम लोग बट्टा में एक पार्ट हम लोग कर लिए, ठीक है। क्या कर लिए, एक पार्ट हम लोग कर लिए सेकेंड पार्ट में हम, ठीक है ना। पार्ट नंबर पार्ट सेकेंड में है, क्या है पार्ट सेकेंड में है, ठीक है। हम देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है, यदि एक व्यक्ति एक कमीज खरीदता है, यदि एक व्यक्ति एक कमीज को खरीदता है, यदि एक व्यक्ति एक कमीज को खरीदता है तो उसे 6% छूट प्राप्त होता है। क्या होता है, 6% छूट प्राप्त होता है, जबकि यदि वह दो कमीज खरीदते तो उसे पहले कमीज पर 5% और दूसरे कमीज पर 8% छूट मिलेगी। यदि व्यक्ति द्वारा दो कमीज के लिए 925 रुपया भुगतान किया गया तो प्रत्येक कमीज का अंकित मूल्य क्या होगा। ये मेरा से क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, ये मेरे से क्वेश्चन पूछा है। अब बोल रहा है कि अगर एक कमीज पहले बोल रहा था कि उसे 6% छूट मिलता, अगर वह दो कमीज खरीदता तो एक पर 5% एक पर 8% छूट मिलता। तो हम देखते हैं इसका एमपी क्या है यानी मार्कअप प्राइस कितना है। तो हम सॉल्यूशन करते हैं, क्या करते हैं, हम सॉल्यूशन करते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन सॉल्यूशन क्या होगा, एक्स उसका एमपी है, एमपी क्या है, एमपी मैंने मान लिया कितना है एक्स है, एमपी क्या है एक्स है, एमपी एक्स है। एक्स का सामान को हमको 5% छूट पाए, अब तक जो सामान हम खरीदे जो हम सामान खरीदे 6% का जिक्र किया गया नहीं किया गया सामान में, क्यों नहीं किया गया। बोल रहा है कि एक व्यक्ति यदि एक व्यक्ति एक कमीज को खरीदता है तो उसे 6% छूट मिलता है, एक कमीज को खरीदता है तो 6% छूट मिलता है, जबकि यदि वह दो कमीज खरीदता है तो पहले कमीज के 5% दूसरे कमीज पर 8%, यानी पहले पर तो उसको 5% मिला ही, दूसरे पर 8% मिला, ये 6% है, इसका कोई जिक्र नहीं है, क्वेश्चन से कोई लेना देना इसका नहीं है, ठीक है ना, इसको छोड़ देंगे। तो एक्स मैंने मान लिया एमपी यानी मार्क प्राइज अंकित मूल्य, एक्स अंकित मूल्य है, इसका 5% छूट देते हैं तो कितना में हो जाएगा, 95 में बिकी, क्या होगा 95 में, यानी 95 क्या होगा 95 एक्स 95 रुपया में हमको मिलेगा, क्या मिलेगा 95 एक्स 2100 रुपया में मिलेगा। फिर अगर सेकेंड फर्स्ट के हो गया, सेकेंड को हम करते हैं सेकेंड, सेकेंड क्या सेकेंड, सेकेंड दूसरी कमीज की हम बात कर रहे हैं, दूसरी कमीज की बात कर रहे हैं तो उसका भी एक्स है, एमपी तो सेम ही ना रहेगा, एमपी सेम है, मैं प्रत्येक कमीज की अंकित मूल्य क्या होगा, यानी प्रत्येक का सेम होगा एमपी, तो इसका भी एमपी क्या होगा, एमपी यानी मार्कअप प्राइस एक्स है, इसका भी मार्कअप प्राइस कितना है एक्स है। इसका बोला है कि इसका 8% छूट मिला है, तो 8% किस छूट मिलेगा, 100 में कोई भी परसेंट, कोई भी वस्तु होता है अपने आप में 100%, क्या होता है, हम मान लीजिए हम लिए 100 रुपया में एक वस्तु लिए, यानी 120 रुपया में एक वस्तु लिए, तो 120 रुपया अपने आप में क्या है 100% के वैल्यू है, ठीक है। तो वही बोला तो 8% छूट, 8% छूट यानी 92 हो जाएगा, 92 बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 92 बटे 100 हो जाएगा, 92 बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 92 बटे 100 हो जाएगा, तो इसका मार्कअप प्राइस कितना हो गया 92 एक्स बटे 100 हो गया। अब बोला कि यदि व्यक्ति द्वारा दोनों दो कमीज के लिए 9 से 25 रुपया भुगतान किया, यानी दोनों को ऐड करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं, यानी 95 एक्स बाई 100 प्लस 92 एक्स बाई 100 बराबर, दोनों कमीज को ऐड किए ना, उस ऐड करिए रेशियो में है वैल्यू, ठीक है ना, इसको ऐड किए ना तो हमको 9 से 25 रुपया में हमको ये वस्तु मिला, 9 से 25 रुपया में वस्तु मिला, क्या मिला है 9 से 25 रुपया में वस्तु मिला है। अब हम इसको ऐड करते हैं, 300 के 100 हो गया, नीचे वाला नीचे हो गया, ठीक है ना, 97 95 कितना हो गया, 92 9 9 18 हो जाएगा, 184 184 या 387 187 हो जाएगा, कितना 187 बराबर 187 एक सौ बराबर 9 से 25 हो जाएगा, ठीक है, 87 से ये कट आपको कट जाएगा 494, ठीक है ना, 494 4.94 मतलब कट जाएगा, एक्स के वैल्यू हो जाएगा आपको 494 हो जाएगा, एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगा 494 हो जाएगा, यही मेरा आंसर होगा, यही मेरा क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं, आगे क्वेश्चन पे चलते हैं, आगे क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिए ये क्वेश्चन है हम लोग का, ये क्वेश्चन, ठीक है,
ये क्वेश्चन है, बोल रहा था एक दुकानदार बोल रहा है एक दुकानदार किसी वस्तु को 450 रुपया अंकित किए गए हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु पर 450 रुपया अंकित किए गए हैं, मूल्य पर 2 क्रमिक छूट देता है, यानी उस कपड़ा पर 2 छूट देता है, ठीक है ना, मैंने वस्तु पर 2 छूट देता है। पहली छूट 10% है, दूसरी छूट क्या होगा ये हमको पता करना है। दूसरी छूट क्या होगा ये हमको पता करना है। यदि ग्राहक को 344.25 रुपया अदा करने पड़े, 344.25 पैसा अदा करने की है, तो यह दूसरी छूट कितनी होगी, ये पूछा है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पूछा है, तो देखिए पहले तो हमको क्या करना है, एमपी आपको दिया हुआ है, एमपी दिया हुआ है किसी, यहाँ बोल क्या बोला है, एक दुकानदार किसी वस्तु पर इतना रुपया अंकित किए, यानी एमपी दिया हुआ है। अंकित को ही एमपी बोलते हैं, अंकित हिंदी में अंकित मूल्य बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं मार्कअप प्राइस, मार्कअप प्राइस बोलते हैं, ठीक है ना। तो शॉर्टकट इसका एमपी हो जाए, एमपी 450 है, ठीक है, 450 कितना है, 450, तो 450 पर 10% छूट दे दिया, 10% क्या छूट दे दिया, इसका वैल्यू कितना का है, 90 का वैल्यू है, 90% का वैल्यू है, 90/100 रेशियो निकालेंगे, 344.25 हो जाएगा, ठीक है ना, 344.25 हो जाएगा। ये रेशियो से यहाँ भी बट्टे में 100 हो जाएगा, दसवें के बाद 2 अंक है, दसवें 2 0 बैठा दें जी, 100 से 100 कट गया, ठीक है, 100 से 100 कट गया। अब हम इसको काटते हैं, तो यहाँ आपको आ गया, आपको 9 से काटते हैं इसको, 10 मरतब में यहाँ पे कट जाएगा, 9 से इसको काटते हैं, 9 3 97 9 4 36, 9 3 27 हो जाएगा, कितना 9 3 27 27, 3 4 7 74, 9 8 72 22 हो गया, 9 2 18 हो गया, 18 19 20 21 22, 9 5 45 हो गया, ठीक है ना, यानी 450×10 रेशियो 38 25 हो गया, 38 25 हो गया, ठीक है। इसको भी काटते हैं, फिर भी 9 से काटते हैं, पहले 5 से काटते हैं, पहले क्या करते हैं, पहले 9 से काटते हैं, तो 9 5 50 हो जाएगा, यहाँ 9 से काटते हैं, 9 3 27 9 6 36, 9 6 36 बचा 2 2 22, 9 2 18, 9 2 18 बचा 4 45, 9 5 45 हो जाएगा, ठीक है ना। ये 5 से काटते हैं, 5 से काटते हैं तो ये 10 हो जाएगा, 5 से काटते हैं यहाँ पे तो जाएगा आपको, 5 से काटते हैं तो 8 5 40 50 25, ठीक है ना, 2 ये हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा, यानी 20 रेशियो क्या आ जाएगा आपको, 20:17 आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपको, 20:17 आ जाएगा, 20:17 है। छूट कितने की मिली है, 3 की छूट मिली है, किस पे मिली है, 20 रुपये पे मिली है, परसेंटेज के लिए 100 से गुणा करना पड़ेगा, 20 5 100 यानी 5 15% के सेकेंड छूट क्या है, सेकेंड डिस्काउंट है, डिस्काउंट है, सेकेंड डिस्काउंट है 15%, यही मेरा आंसर हो जाएगा, 15% मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है गाइस। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बोलता है क्या, यदि किसी बिक्री में साड़ी पर दी गई छूट अंकित मूल्य के 1/4 के बराबर है, तो से क्वेश्चन शुरू होता है, तो से जो फाइंड करना पड़ता है ना, वहाँ से तो लिखा हुआ था, तो लागत मूल्य के विक्रय मूल्य से क्या अनुपात होगा यदि इनमें 15% की हानि होगा, ठीक है। या SSC CGL में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2014 में ग्रुप डी 2019 का क्वेश्चन पूछा हुआ, ये क्वेश्चन है, ठीक है, 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो फर्स्ट 19 में हुआ था वो। तो बोला कहते यदि किसी बिक्री पर साड़ी, यदि किसी बिक्री में साड़ी पर दी गई छूट, तो छूट होता है एमपी पे, यानी अंकित मूल्य पर छूट होता है, अंकित मूल्य पर छूट होता है, क्या होता है, अंकित मूल्य पर छूट होता है, अंकित मूल्य माने मान लिया 100 है, लेट एमपी मान लिया मैंने 100 है, ठीक है, 100 हो गया, इस पर छूट दिया, इस पर क्या छूट दिया, 1/4 छूट दिया, तो इसका एसपी क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा 100 के 1/4 छूट दिया, यानी 3/4 बचा रहा है, यानी 75 है एसपी, इसका क्या है 75 एसपी। अब हमको सी, अब क्या बोला है, तो लागत मूल्य के विक्रय मूल्य से क्या अनुपात होगा, सीपी रेशियो हमको एसपी का वैल्यू चाहिए, सीपी रेशियो एसपी का, जो 15% क्या होगा, 15% हानि भी है, 15% हानि भी है, क्या है, 15% हानि है, ठीक है, 15% हानि है, तो ये आपको हो जाएगा, ये देखा आपको एक्स कितना है आपको, 75 है आपको, मैंने 75 माना है, ठीक है ना, 75 माना हूँ, ठीक है ना, उसको कितना परसेंट, 15% की छूट मिल जाता है, 100/85, यहाँ पे समझ में नहीं आएगा, मान लीजिए हम सीपी को हम एक एसपी में कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ 100 के समान हमको कहेगा 20% हमको लाभ चाहिए, तो यहाँ पर 120/100 लिखेगा, तब ना हमको 120 रुपये में बेचिएगा, तब ना हमको 20% लाभ होगा, फिर हमको एसपी से हमको सीपी में जाना है, एसपी से हमको सीपी में जाना है, तो क्या करेंगे, हमको रिवर्स करना है, 20% लाभ का ये वैल्यू है 120, तो हमको 120 नीचे लिखना पड़ेगा, 100 ऊपर लिखना पड़ेगा, उलट के लिखना पड़ेगा, तब हमको सीपी मिलेगा, ठीक है ना, वैसे हम किए हैं,
15% हानि है, तो हमको ये एसपी दिया हुआ है, एसपी है, हमको सीपी में जाना है, क्या जाना है हमको सीपी में जाना है, तो हमको रिवर्स करके गुणा किया है, तो 15 × 5 = 75, 17 × 5 = 85 हो गया, यानी आपका हो गया 15 × 5 = 75, 17 × 5 = 85 हो गया, ठीक है, 17 × 5 = 85 हो गया। अब यहाँ पे आपको 75 × 17 = 15 × 100 हो जाएगा, ये वाली 100 हो जाएगा, ठीक ना, 3 × 25 = 75, 25 × 100 हो जाएगा, ठीक ना, 25 × 100 3 से ये कट जाएगा 5 मरतबे में, यानी 17:20 हो जाएगा। हमसे पूछा क्या है ये, तो लागत मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा, 20:17 मेरा करेक्ट आंसर है, 20:17 मेरा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, 20:17 मेरा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। थैंक यू गाइस।